चाइना पोर्ट की आपने और भी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, मगर आपको ये वाला नज़ारा जो है ना हर वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को जो है पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिएगा वीडियो के अंदर कि आपको व्यू कैसा लगा। तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं कराची वाले, तो स्पेशली जो है यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए कराची वालों को। अभी मेरे सामने आप देखें काफ़ी लंबी कतार लग गई है, लोग जो है काफ़ी सारे आ गए हैं यहाँ पर फ़िशिंग करने के लिए। वो बस यहीं पे जो है एंड है, आपको यहाँ पे बाइक के पार्किंग में लगा के पीछे पत्थरों की तरफ जाना है। दो सौ, डेढ़ सौ, ढाई सौ, तीन सौ, इस तरीके से जो है रस्सी का रेट है। कांटे जो है वो आपको मिल जाएंगे 20-30 रुपए के, 50 रुपए के। आगे जो है ऑयस्टर रॉक्स की तरफ जाने के लिए जो है आपको या तो बाइक चाहिए या तो फिर आपको पैदल सफ़र करना पड़ेगा। एक अलग ही इसका जो है व्यू है, एक अलग ही लुक है। कराची वालों के लिए तो ये एक नेमत से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह, चाइना पोर्ट कराची के नाम से जो है ये जगह काफ़ी मशहूर हो चुकी है। इससे पहले जो है ये जगह बंद कर दी गई थी क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह की वजह से। तो रीओपन होने के बाद जो है चाइना पोर्ट कराची के नाम से ये जगह काफ़ी मशहूर है। टिकटॉक पे आपने काफ़ी इसकी वीडियोस देखी होंगी, आज मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर। तो ये जगह जो है काफ़ी टाइम से बंद थी। इससे पहले जो है इस जगह को ऑयस्टर रॉक्स के नाम से जो है जाना जाता था। ऑयस्टर रॉक्स जो है पत्थर, जो आड़े टेढ़े पत्थर समंदर के काफ़ी बीच तक जो बिछाए गए हैं उनको कहते हैं। उन पत्थरों का जो बेसिक मेन मकसद है वो है पानी को कंट्रोल करना, पानी के जो है प्रेशर कंट्रोल करना, ताकि पोर्ट की तरफ पानी ना जाए और पोर्ट को नुकसान ना पहुंचे। इस वक्त जो है मैं रोड के ज़रिए से जा रहा हूं, मेरे सामने से आप देख रहे हैं काफ़ी बाइकें जो है वहां से आ भी रही हैं और काफ़ी बाइकें जो है उस तरफ जा भी रही हैं। गाड़ी से आने वाले अफराद के लिए ये है कि उनको शुरू में जो है गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। आगे जो है ऑयस्टर रॉक्स की तरफ जाने के लिए जो है आपको या तो बाइक चाहिए या तो फिर आपको पैदल सफ़र करना पड़ेगा। मेरे सामने जो है फ़िशिंग बोट्स हैं, ये सारे जो है फ़िशिंग कर रहे हैं बोट्स वाले। आप भी यहाँ पे जो है फ़िशिंग कर सकते हैं, फ़िशिंग का सामान आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप अपने साथ नहीं लाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, यहीं पे जो है रास्ते में ही आपको सारा सामान मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ सामान जो है यहाँ पे, चारा और रस्सी वगैरह, कांटे, सब कुछ जो है यहाँ पे रखा हुआ है मेरे सामने जो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 200, 150, 250, 300, इस तरीके से जो है रस्सी का रेट है। कांटे जो है वो आपको मिल जाएंगे 20-30 रुपए के, 50 रुपए के। उसके अलावा जो है इनके पास चारा भी है, केचुआ वगैरह भी इनके पास है, वो भी इन्होंने मुझे दिखाया। सामान सारा आपको मिल जाएगा। अगर आपको शौक है फ़िशिंग का, अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आपका लक है, वरना तो लोग सारा दिन भी यहाँ पे बैठे रहते हैं, शाम को जो है खाली हाथ भी चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन मछली ये जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मछली नहीं है, मछली है यहाँ पे, फ़िशिंग होती है यहाँ पे। काफ़ी लोग जो है ना उम्मीद नहीं होते, लेके जाते हैं यहाँ से, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका लक है। अभी जो है मैं मज़ीद और आगे जाऊँगा और आगे जाके जो है आपको मज़ीद जो है ऑयस्टर रॉक्स पत्थरों पर जो जाके आपको दिखाऊँगा माहौल। बहुत ही पुरसकून और बहुत ही खूबसूरत जगह है, ज़रूर विज़िट करें यहाँ पे। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट से जो है मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं आपके लिए मज़ीद जो है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो चलिए हम लोग जो है अभी आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं मज़ीद जो है आगे ऑयस्टर रॉक्स की तरफ जो है आ चुका हूँ और यहाँ पर जो है फ़िशिंग चल रही है। सामने मेरे आप देख रहे हैं लोग बैठे हुए हैं फ़िशिंग कर रहे हैं। इसके अलावा और भी मज़ीद जो है लोग उस तरफ बैठे हुए हैं, सीधियात की तरफ काफ़ी लोग हैं फ़िशिंग कर रहे हैं। सारी बाइकें जो है यहीं पर बस आके एंड हो जाता है। ये पत्थर
जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। सामने मेरे आप देख रहे हैं ऑयस्टर रॉक्स, सब लोग यहाँ पे जो है पार्किंग में लगा के उस तरफ जाते हैं। और मेरे सामने वाली पट्टी में आप देख रहे हैं वो सारा हिस्सा जो है केमाड़ी वाला है, पोर्ट वाला हिस्सा है वो सारा। तो बस यहीं पे जो है एंड है, आपको यहाँ पे बाइक के पार्किंग में लगा के पीछे पत्थरों की तरफ जाना है। लेकिन पत्थरों पे जो है काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि पत्थर जो है काफ़ी आड़े टेढ़े पत्थर है, और वहाँ से अगर किसी का पैर स्लिप हुआ या कोई गिरा तो टांके तो ज़रूर लगने, क्योंकि काफ़ी मतलब पत्थरों के अंदर जो है काफ़ी बड़े गड्ढे भी हैं, गहराई है अंदर पत्थरों के अंदर। चाइना पोर्ट की आपने और भी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, मगर आपको ये वाला नज़ारा जो है ना हर वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को जो है पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिएगा वीडियो के अंदर कि आपको व्यू कैसा लगा। ये वाला नज़ारा जो है ना किस्मत से ही रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ये परिंदे जो है मुख्तसर से टाइम के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं यहाँ से। तो बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नज़ारा है, स्किप नहीं करनी है, वीडियो पूरी देखनी है। यहाँ से बैठकर जो है ये सामने बोट्स को गुजरते हुए देखना और फिशिंग करना, मतलब ये कि एक अलग ही इसका जो है व्यू है, एक अलग ही लुक है। कराची वालों के लिए तो ये एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ़िशिंग भी आप कर सकते हैं और सामने नज़ारे आपके सामने हैं। तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं कराची वाले, तो स्पेशली जो है यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए कराची वालों को। बाहर से भी लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं, और अभी मेरे सामने आप देखें काफ़ी लंबी कतार लग गई है, लोग जो है काफ़ी सारे आ गए यहाँ पे फ़िशिंग करने के लिए। तो इसी के साथ जो है मुझे दीजिए इजाज़त, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।